The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about PRP, platelet rich plasma therapy for hair loss. फट फट बता देते हैं आपको. जी हाँ, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा थेरेपी हेयर लॉस में दी जाती है. और ये इसमें होता क्या है, आप ही का खून निकाल के, जी हाँ सुन लो डरो मत, आप ही का खून निकाल के उस खून में से सारे ब्लड के सेल्स हटा के जो पानी बचता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं और उसमें से सिर्फ प्लेटलेट रहने देते हैं. यानी रेड ब्लड सेल, WBC सब हटा के सिर्फ प्लेटलेट और प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है. जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, समझो इससे क्या होता है. कई सारी मेडिकल कम्युनिटीज ऐसा सोचते हैं कि PRP इंजेक्शन से नेचुरल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और मेंटेन होती है बिकॉज वहां पर इन्फ्लामेशन होता है. इन्फ्लामेशन से ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है फॉलिकल्स में और इस इंक्रीज होने से हेयर थिकनेस, हेयर शाफ्ट बढ़ जाती है और हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है. तो इसको अगर आप बाकी के दवाइयों के साथ, हेयर लॉस प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं. क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है. मगर ये इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और रिसर्च बहुत ही ज़्यादा खूंखार तरीके से इसको प्रूव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ भी नहीं है. सो रिसर्च की ज़रूरत है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए. और ये चीज़ 1980 से हमें पता है, लेकिन बट देन देर इज़ अ थिंग, राइट. सो ये कई बार PRPs मसल्स या टेंडन्स की इंजरी या मान लो घुटने, जॉइंट इंजरीज में भी यूज़ होता है. इवन जॉइंट में जहाँ पे इंजेक्शन लगा दो तो थोड़ी हीलिंग बेटर हो जाती है, दैट्स ट्रू. बट देन एज आई सेड, इट्स अंडर यू नो स्टिल स्टडीज. सो किए कर रहे हैं लोग, क्या होता है इसमें, 3-step प्रोसेस है. पहले तो इसको 3 ट्रीटमेंट लगते हैं, 3 ट्रीटमेंट 4-6 हफ्ते के गैप में, और उसके बाद में ज़रूरत पड़े तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी ज़रूरत पड़ सकती है मेंटेनेंस की, हर 4-6 हफ्ते के बाद. इसमें पहले तो ब्लड लिया जाता है आपका, आपके आर्म से बढ़िया से उसको सेंट्रीफ्यूज में डाल के घुमाते हैं तो जो ब्लड के सेल से नीचे प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, प्लाज्मा हटा दिया जाता है और 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज के बाद में ऐसा हो जाता है. उसमें क्या क्या होता है, 3 लेयर आ जाते हैं. एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा. उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का लेयर लिया जाता है और ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक सीरीज में भर के उसको इंजेक्ट किया जाता है जहां पर बाल नहीं है आपके, वहां पे एरियाज में गप 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 गप. सो दैट इज डन, माइल्ड छोटा छोटा इंजेक्शन. और इसके ऊपर कोई ऐसा मेजर रिसर्च नहीं है कि धुआंधार तरीके से प्रूव कर सके. सो इसको हम ये नहीं कह सकते कि किस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, किस स्टेज में हेयर लॉस के इसको करना चाहिए, किस सर्कमस्टांसेस में बेस्ट प्रूवन है. अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं है टू मेक इट लाइक अ गाइडलाइन, बट देन इट इज़ प्रॉमिसिंग. अच्छा है, प्रॉमिसिंग चीज़ है. और रिसेंट स्टडीज़ में ये देखा कि इसमें थेरोटिकल साइंटिफिक बेसिस ज़रूर है टू सपोर्ट कि वो हेयर रिस्टोरेशन, हेयर ट्रांसप्लांट के जगह या उसके साथ काम कर सकता है PRP. लेकिन इसकी PRP की यूज है, ये जो जिस हद तक किया जा सकता है, जितने इफेक्टिवली इस थेरेपी को यूज किया जा सकता है, ये अभी उसकी खुद की बचपने में है, ये इन्फेंसी में है. मतलब ये अभी और ट्रीटमेंट बेटर टू बेटर होता जाएगा और आगे क्लिनिकल एविडेंस इसके ऊपर बहुत वीक है. सो इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या? नंबर 1, बिकॉज PRP थेरेपी में इंजेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है आप ही के ब्लड को, आप ही के स्काल्प में, तो कई बार इसमें कुछ बीमारियां होने का रिस्क होता है. और इंजेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को इंजरी, इन्फेक्शंस, कई बार कैल्सिफिकेशन, कई बार स्कार टिश्यू बन सकता है. और उसमें चांसेस ये भी हैं आपको कई बार एनेस्थीसिया दिया जाए क्योंकि इंजेक्शन से दर्द हो सकता है, उसके भी नेगेटिव रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नो. सो एंड यू शुड टॉक अबाउट दिस विथ योर डॉक्टर ऑल्सो.
क्या उसके कोई और रिस्क है अभी आपको समझना पड़ेगा। अगर इफ यू आर ऑन ब्लड थिनर्स, इफ यू आर लाइक हैवी स्मोकर, अल्कोहल, डायबिटिक, तो आपको रिस्क है। और अगर मान लो आपको कोई भी बीमारी है मेजर, तो मत कराना। कैंसर, क्रोनिक डिजीज, लिवर डिजीज, स्किन, क्रोनिक स्किन डिजीज यानी एक्जिमा या सोरियासिस, यानी कोई हीमोडायनामिक खून की बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्लेटलेट की डिसऑर्डर, सिस्टमिक डिजीज, सेप्सिस, लो प्लेटलेट काउंट, थायराइड डिजीज, तो ये सब नहीं कराना चाहिए पीआरपी। सो पीआरपी का जैसा मैंने कहा, 3 ट्रीटमेंट लगते हैं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और थोड़ा महंगा होता है ये। सो आप अपने एरिया में अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं कि भाई साहब पीआरपी का क्या रेट है, हमें बताओ। अब उस समय का रेट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें ना पता होगा, तो हम बता नहीं सकते, राइट। तो टेक अवे, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आपके पास दवाइयाँ हैं, आपके पास लगाने वाली चीज़ें हैं, आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन है, सो आपके पास हेयर केयर रूटीन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले इवैल्यूएट व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, एज आई ऑलवेज से, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो, सोल्यूशन खुद मिल जाएगा। तो पीआरपी इज गुड, पोटेंशियली गुड थिंग, एंड यू शुड कंसिडर दिस ओनली इफ योर डॉक्टर सेज और कोई तरीका नहीं है, पीआरपी कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। सो डू दैट, ओके, टॉक टू योर डॉक्टर, योर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट इज द बेस्ट जज, आपको किस चीज की आवश्यकता है, मेक श्योर टू डिस्कस एवरीथिंग विथ योर डॉक्टर। एंड भाई साहब आगे चल के जब ये ट्रीटमेंट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तब भी यूज कर सकते हो, है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच, मेक श्योर टू शेयर ऑल दिस कंटेंट, मेक श्योर टू यू नो लाइक एंड शेयर, कंसल्ट, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।